जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माय सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th न्यूमेरिकल लेक्चर्स। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल NCERT एग्जाम्पल नंबर 1.9 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.9, क्लास 12th का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 1.9। तो क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटर ये सारा दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट की जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 1.9 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज हमारे पास है और एक का चार्ज है 10^-8 कूलम, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका है 10^-8 कूलम नेगेटिव चार्ज। दो चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आपके क्वेश्चंस में डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में सारी चीजें स्पेसिफाइड है। तो देखिएगा, इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, That distance is 0.1 meter है, okay? तो आपको तीन प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है। What is the value of the electric field with magnitude and direction? कहाँ कहाँ पे बताना है? एक तो यहाँ पे आपका बताना है, ये वाला पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस है कितना, 0.1 मीटर, और इस वाले पॉइंट से भी इसकी डिस्टेंस है 0.1 मीटर, और इसकी भी डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर। तो तीनों साइड आपकी इक्वल है, तो दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड इफ दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल देन ऑल द एंगल्स विल बी π/3। सारे एंगल्स आपके कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इसके जस्ट मिडिल पॉइंट पे, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे, और इससे 0.5 मीटर ये आपका है, यहां से ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर पर, यहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तीन प्लेसेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। आप डायग्राम में जो देख रहे हैं, ए पर, बी पर, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना है, और चार्जेस कहां रखे गए, यहां पे और यहां पे, ओके। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। यहां निगेटिव चार्जेस ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट करेंगे, सी पर, ओके, उसके बाद बी पर, फिर उसके बाद ए पर। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मुझे हटाना पड़ेगा कि मुझे स्पेस चाहिए। देखिए, चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, आप अपना गणित डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा, टोटल ई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज को हम लोग Q1 बोल देते हैं, Q1, इस चार्ज का नाम होगा Q1, और ये वाला जो चार्ज है इसका नाम है Q2, क्लियर। इसके कारण Q1 के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसके कारण कहां पे निकाल रहे हैं, सी पर, सबसे पहले इस पे निकालते हैं सी। तो यहां पे देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका हाफ, तो कितना हो गया 0.05 मीटर, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर। तो इस Q1 के कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
E1C और इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2C प्लस E2C, दोनों वेक्टर्स हम लोग इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले E1C निकालते हैं, वेक्टर E1C इक्वल टू इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण Q1 के कारण C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4πε0 और ये आपका चार्ज है Q1 अपॉन आर डिस्टेंस से 0.05, तो पॉइंट जीरो फाइव स्क्वायर E1C इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिए इंटू 10^-8 अपॉन सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में ले लेंगे 0.05 का स्क्वायर 1/4πε0 के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे अप्रोक्सीमेट 9 × 10^9 × 10^-8 अपॉन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5×25 ओवरऑल आपका आ जाएगा 0.0025, नीचे डिनोमिनेटर में 0.0025 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको यहां पे हटाएंगे और ऊपर आपके चार जीरो बढ़ाएंगे 10^4, तो क्या हो गया E1C वेक्टर इक्वल टू, अच्छा ये आपका डायरेक्शन किधर होगा इस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, तो ऊपर यहां कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा 9 × 9^4 13 × 10^5 और अपॉन 25। अब यहां पे इसको दे दीजिए E1C इक्वल टू हो जाएगा 900 × 10^3 अपॉन 25। तो चलिए ये 36 टाइम जाएगा यहां पे 900 × 25 कितना हुआ देखिएगा 25 × 3 = 75, तो बचा कितना 15 और 25 × 6 = 150, तो वी लेफ्ट विद 36 25 × 36 हम में 900 होता है 25 × 36 = 900 × 10^3 न्यूटन पर कूलम। तो E1C आपका कितना आ गया 3.6 × 10^4 न्यूटन पर कूलम, दिस इज E1C। तो ध्यान से देखिएगा इस चार्ज के कारण ये प्लस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है 3.6 × 10^4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोल दें ये आई कैप हो गया और उसके बाद ये हमारा जे कैप और ये माइनस आई कैप और ये हमारा माइनस जे कैप, तो डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप। उसके बाद अब यहां से देखिए इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा जितना इसके कारण आया है, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतना ही है जितना यहां पे है, यहां पे है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ होता है जहां पे चार्ज रखा होता है, तो निगेटिव चार्ज तो यहां पे रखा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इस साइड होगा, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इस साइड, इसके कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इस साइड, तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नीट्यूड जितना इसके कारण यहां पे है उतना इसके कारण भी यहां पे होगा, ओवरऑल हम इसके मैग्नीट्यूड प्लस इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1C, सो इसके कारण कितना आ गया है यहां पे E1C की वैल्यू रखिए 3.6 × 10^4 प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा, इसमें डायरेक्शन लिख देते हैं आई कैप प्लस 3.6 × 10^4 आई कैप इसका भी डायरेक्शन होगा, सो 3.6 × 3.6 व्हाट विल हैपन 7.2 × 10^4 आई कैप एंड आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज अलोंग द आई कैप डायरेक्शन दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी इज इक्वल टू
7.2 इंटू 10 की पावर 4 आई कैप, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, इतना सारा लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चल रहा हूँ। इसको ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करिए, कैन आई रिमूव इट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो चुका है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। एक बार फार्मूला लिखेंगे, पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए और ये सब डायग्राम बना लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो ई बी क्या होगा, ई बी इस पर टू हो जाएगा E1B प्लस E2B। 1 के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसको देखते हैं। इसके कारण यहां पे मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही आएगा जो इसके कारण यहां पे आया था, लेकिन इस बार डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। देखिएगा E1B इक्वल टू 1/4πε0, इसका चार्ज की वैल्यू है, इंटू 10 की पावर -8 अपॉन, ये वैल्यू पुट करी 0.05 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.0025। तो फिर से यहां से पॉइंट हटेगा और 10 की पावर 4 ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद अपने पास आ जाएगा E1B इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, और 9 × 10 की पावर 5 अपॉन 25। इसको जब हम फिर कैलकुलेट करेंगे तो E1B इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। लेकिन अब इस बार डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी -i कैप। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा -i कैप, यहां पे हम लोग लिखना चाहेंगे द डायरेक्शन विल बी -i कैप, क्लियर। इधर होगा आपका, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट बी पर निगेटिव चार्ज के कारण, यहां से देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी यहां से आता है डिस्टेंस है 0.1 मीटर और फिर आपने 0.05 मीटर आपको चलना है तभी तो बी पे पहुंचेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.15, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.15 मीटर। तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग निकालने चल रहे हैं E2B, ये वाला पार्ट निकल चुका है, ईबी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और इसके कारण ऐड हो जाएगा। तो देखिए E2B इक्वल टू 1/4πε0, अब ये वाला चार्ज होगा Q2/1.5। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं 10 की पावर -8 कूलाम अपॉन, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.15 स्क्वायर। चलिए E2B स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करिए 1/4πε0 9 × 10 की पावर -8 अपॉन, कितना हो जाएगा 15 आपका होता है 225। तो यहां पे 0.0225 आपका नीचे आ जाएगा। यहां से जब हम लोग हटाएंगे ऊपर 10 की पावर 4 आ जाएगा E2B इक्वल टू, और यहाँ पे 10 और 5, तो ऊपर आपका 9 × 10 की पावर 5 और नीचे आपका हो जाएगा 225। तो ओवरऑल इसको 9 पर हम लोग लिख सकते हैं 900 × 10 की पावर 3, ऊपर देखिए 10 की पावर 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 900 और 225, 25 का टेबल काउंट करिए कितनी बार जाएगा, यहां से देखिए तो 9 × 25, 36 कितना गया 900 और 25 9 जा 9 टाइम्स जाएगा,
अब फिर 9 1 9 9 4 36, तो कितना बचा 4 × 10³। इसको हम लोग 0.4, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा। ओके, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किधर आता है। चलिए, तो अब टोटल यहां पे E1 V की वैल्यू यहां पे पुट करिए और E2 V की वैल्यू यहां पे पुट करिए। चलो पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब मैं डायरेक्ट यहां पे इसको हटा रहा हूं, देखिएगा बीच की सारी चीजें हम लोग रिमूव करना चाहेंगे क्योंकि वैल्यू पुट करना है। नोट आप लोग करते रहिएगा, वी लेफ्ट विद E1 B के प्लेस पे 3.6 × 10⁴ और माइनस आई कैप प्लस ये वैल्यू पुट करिए यहां पे, क्योंकि ये हमारा E2B है। ओके, और 0.4 × 10⁴ आई कैप ये इधर आपका होगा क्योंकि माइनस चार बेकार नहीं कर। तो चलिए आप आई कैप और ये सारी चीजें कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा 3.2 × 10⁴ माइनस आई कैप आएगा। ओके, क्योंकि यहां पे 3.4 है, 3.6 है और यहां पे 0.4 है, तो 3.6 माइनस 0.4 आपको कितना देगा 3.2, और डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई कैप। तो बी पर फाइनल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा माइनस आई कैप। क्लियर, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आ गया। अब हमें कहां निकालना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट यहां से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस आपकी सेम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट इस साइड होगा। चलिए प्रोसीड करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये यहां के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसका नाम पॉइंट ए था। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ई ए इक्वल टू ई वन ए प्लस ई टू ए। ई वन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस चार्ज के कारण यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालने चल रहे हैं, और कितना आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो कितना हो जाएगा 1/4 πε₀, ये वाला चार्ज रखिए 10⁻¹ अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसकी 1/9 × 10⁻¹ अपॉन 0.1 × 0.1 क्या होगा 0.01। इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, यहां से पॉइंट हटाइए और यहां पे 2 जीरो बढ़ाइए। चलिए अब कितना आ जाएगा 9 × 11 11 − 8 3, तो 9 × 10³ न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड एट आपका किधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर आ गया, E1A का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसके देखिए सारी जो आपकी क्वांटिटीज हैं, सारी क्वांटिटीज भी आपकी वही है जो यहां पे थी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस, ये सारी चीजें बिल्कुल जहां पे ये थी वही आपका ये वाला भी होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये वाला जो आपका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके कारण E1 है, और यहां पे आपका जो है E2A का डायरेक्शन ये हो गया। तो मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं,
ई टू ए इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब देखिएगा इस वाले वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहां पे इन दो वेक्टर को ध्यान से समझिएगा। एक आपका ऐसे जा रहा है, दूसरा आपका ऐसे जा रहा है, ओके। इसका नाम है E1A और इसका नाम है E2A। E1A को हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। एक कंपोनेंट इसका इधर आता है और दूसरा कंपोनेंट आपका इधर आता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं E2A, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या इसको ऐसे लिख देंगे। और ये हमारा वर्टिकल, इसको H लिख देते हैं। और E2A आपका है वर्टिकल, ओके। इसका भी अब हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जब इस वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल करेंगे तो किधर आएगा, इस साइड। तो E1A हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल जब कंपोनेंट लेंगे तो किधर जाएगा, इस इधर। तो इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1A का किधर आएगा, E1A वर्टिकल। और देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो वर्टिकल के कारण कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, इस चार्ज पर वर्टिकल का कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। दो के दोनों इफेक्ट आपस में एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स हो जाएंगे। तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर कर रहे हैं, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर कर रहा है। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं है, केवल इन दोनों के कारण आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। इसका मतलब इनके पास केवल और केवल जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। तो अब देख लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्लियर। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग E2A H की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। E2A हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू होगी, E2A और ये वाला एंगल हम लोग निकालेंगे। और इस डायग्राम से देखिए, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल या यही वाला एंगल कितना आ जाएगा आप बताइए। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए आपका एक वर्टिकल लाइन है, ये देखिए, और ये वर्टिकल लाइन है और ये वाली लाइन अगर सीधे बढ़ा दे तो ये आपका 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है सिमिलर एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहां से आपका हो जाएगा E2A cos 60। तो E2A cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2, तो E2A हॉरिजॉन्टल इसका भी कितना हो जाएगा, E2A/2। ऐसे ही E1A हॉरिजॉन्टल भी आपका कितना आएगा, E1A/2। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, E1A हॉरिजॉन्टल प्लस E2A हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसी डायरेक्शन में वर्क करेंगी, ओके। तो देखिए अब हमें इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। यहां पे देखिए, इसको डायग्राम नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक के आप देख लीजिए इसको एक बार। चलिए अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ जाएगा, हम लोग ऐड कर देंगे। टोटल EA इक्वल टू E2A हॉरिजॉन्टल प्लस E1A हॉरिजॉन्टल। E2A हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी आ गई, E2A upon 2 प्लस E1A upon 2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, E2A प्लस E1A upon 2। जितना आपका E2A है उतना आपका E1A भी है, तो इसलिए अब यहां पे 2E1A हम लोग पुट कर रहे हैं। सो 2E1A upon 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहां पे टोटल आपकी जो फील्ड आएगी E1A और EA इक्वल टू आपका आ जाएगा
e1a आपका कितना आया है 9 × 10³। तो ea की वैल्यू जो आ जाएगी 9 × 10³ न्यूटन पर कूलाम। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो उसका डायरेक्शन इस साइड होगा ये, और अपोजिट टू द आपका मतलब पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में होगा। क्लियर? इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। और यहां पे हमारे पास क्या था, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, और 0.05 मीटर पॉजिटिव साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तीनों के एक्सप्रेशन, तीनों के मैग्नीट्यूड और तीनों के डायरेक्शंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें देखिए आपको बताना होता है, हमें आपको ट्रेंड करना होता है, इसलिए मुझे बहुत स्लो तरीके से चलना पड़ता है, कैलकुलेशन भी करके दिखाना पड़ता है। तो आप लोग धीरे धीरे इसको सीखते रहिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम अपनी स्पीड को भी तेज करते चले जाएंगे, और हम लोग बहुत तेजी से बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए अब आप लोग ये पूरा डेरिवेशन नोट कर लीजिएगा, जहाँ ना समझ रहा है वहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर्स में नए न्यूमेरिकल के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।